download now. राजस्थान में उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन, जबकि छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की तमाम 40 सीटों पर कल वोटिंग के पहले मरहले के लिए रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जशपुर और रायगढ़ असेंबली हलकों में करेंगे इंतखाबी रैलियां, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती मध्य प्रदेश के मंगावली में करेंगी जलसायाम और प्रियंका गांधी भी धार और इंदौर में संभालेंगी कांग्रेस की कमान। मुल्क में आईपीसी और सीआरपीसी की जगह नए कानून के मुसवदे पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज, पार्लियामेंट के मानसून इजलास में लाया जा सकता है ये बिल। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी की सतह मुसलसल हो रही है खराब, दिल्ली में ग्रैप 4 नाफिस ट्रकों का दाखला बंद, स्कूलों में भी ऑनलाइन तालीम का इंतजाम। अमेरिकी वजीर खाजा ब्लिंकन आज तुर्की में अपने हम मनसब से गजा तनाजे पर करेंगे बात, और इससे कबल इराक के साथ भी ब्लिंकन ने इसराइल और हमास के तनाजे को रोकने पर किया था गौर खौस। हिंदुस्तान ने खवातीन की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में रकम की तारीख, रांची में खेले गए मैच में जापान को 4-0 से शिकस्त देकर जीता खिताब। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान होगा मैच, कल कोहली की रिकॉर्ड सेंचुरी और जडेजा की जबरदस्त बॉलिंग ने भारत को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दिलाई शानदार फतह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अब खबरें तफसील से। राजस्थान की 200 रुकनी असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इंतखाबात में असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। तमाम सियासी जमातें काफी गौर व फिक्र के बाद उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। उम्मीदवार अपने अपने इंतखाबी हलकों में कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। ख्याल किया जा रहा है कि जोधपुर की सरदारपुरा असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वजीर आला अशोक गहलोत कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कागजात नामजदगी की जांच 7 नवंबर को होगी, जबकि 9 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। राजस्थान में अशोक गहलोत जहां एक जानब लोगों को गारंटियां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानब बीजेपी गहलोत हुकूमत को 5 साल के कामकाज पर सवाल उठा रही है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जशपुर में होंगे। उनकी यहां 12:15 बजे उनकी एक रैली है और फिर 1:30 बजे के बाद वो रायगढ़ चले जाएंगे, जहां लाइंगा में उनकी रथ यात्रा होगी, और इसके बाद वो दोपहर 3:30 बजे धर्म जयगढ़ असेंबली हलके में एक रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के दूसरे मरहले से पहले सियासी पार्टियां अब वहां पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। यहां दूसरे मरहले में 70 सीटों पर 17 नवम्बर को वोटिंग होगी। बीएसपी बराए रास्त मायावती से आज मध्य प्रदेश में इंतखाबी रैली करेंगी। मंगावली से उनकी रैली शुरू होगी। मायावती का 8 दिन में 9 रैलियों से खिताब करने का प्रोग्राम है। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी और पार्टी की मुहिम चलाएंगी। प्रियंका मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी और इंदौर जिले में आवामी जलसों से खिताब करेंगी। इस दौरान साबिक वजीर आला कमलनाथ और दीगर कांग्रेसी रहनुमा भी उनके साथ होंगे। असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद इंदौर और धार जिले में कांग्रेस के किसी भी स्टार कैंपेनर की यह पहली इंतखाबी मीटिंग होगी।
और मिजोरम असेंबली इंतखाबात के लिए कल तशहीरी मुहिम खत्म हो गई। तमाम सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने वोटरों को अपनी जानिब राकिब करने की भरपूर कोशिश की। कौमी जमातों के कायदीन ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मिजोरम में तमाम सीटों के लिए वोटिंग 7 नवम्बर को होनी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज मुंबई का दौरा कर रहे हैं और इस एक रोजा दौरे में नायब सदर जमहूरिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे जाएंगे। नायब सदर इंस्टीट्यूट में तलबा और असातिज़ा से बातचीत करेंगे और इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बेस भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में कल 7 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले मरहले में 20 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। पोलिंग हसास इलाकों में कहीं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और कहीं सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। पोलिंग पार्टियां छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में पहले मरहले के लिए 20 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। वोटिंग 7 नवंबर को होगी। इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग पार्टियों की नाकाबिले रसाई और माओनवाज मुतासरा पोलिंग बूथों की तरफ रवानगी का सिलसिला जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले मरहले की 20 असेंबली हलकों में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 198 मर्द हैं और 25 खवातीन हैं। पहले मरहले के लिए 40,78,681 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 19,93,937 मर्द वोटर्स और 20,84,675 खवतीन वोटर्स शामिल हैं। इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कुल 5,304 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस दौरान तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक जलसा आम से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना लगाया और इसे तरक्की मुखालिफ बताया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क मुसलसल तरक्की कर रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, वही कल मोदी जी घोषणा करके गए हैं कि अब अगले 5 साल तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 1 किलो दाल दिया जाएगा, ताकि कोई भूखा नहीं सोएगा। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस को अपना मंशूर जारी करने में इतनी देर हो गई कि पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने राजनंदगांव में मंशूर जारी करते हुए कई ऐलानात किए हैं, जिनमें किसानों के कर्ज माफी और तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में KG से लेकर PG तक मुफ्त तालीम का वादा भी शामिल है। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में KG से लेकर PG तक शिक्षा मुफ्त होगी। 5 साल पहले जो झूठ बोला था, 20 लाख तक का मुफ्त इलाज करेंगे, नहीं किया। सबको मकान देंगे, आज तक कोई मकान नहीं दिया भूपेश ने। 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, 5 साल निकल गए किस नहीं हुआ। शराबबंदी करेंगे, 5 साल निकल गया शराबबंदी नहीं हुआ। 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल निकल गया कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की 90 असेंबली सीटों के लिए 2 मरहलों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि नतीज का ऐलान 3 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, उर्दू खबरें। और ब्रितानवी दौर के नाफिज इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को तब्दील करने के लिए लाए गए 3 नए बिलों को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मुतारुफ कराए जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट से मुतालिक बिलों की जांच करने वाली पार्लियामानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12 बजे होने वाला है और इस इजलास में कमेटी बिलों से मुतालिक मुसविदा रिपोर्ट को मंजूर कर सकती है और इसके बाद पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में बिलों को पास किया जा सकता है।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 11 अगस्त को मानसून इजलास में इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को लोकसभा में लाने से मुतालिक बिल पेश करते हुए कहा था कि बरतानवी दौर के कवानीन का बुनियादी मकसद सजा देना था, जबकि मुजवजा कवानीन का मकसद इंसाफ फराहम करना है। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी केस की समाअत होगी। अदालत पहले इस बात पर गौर करेगी कि आया अहाते के अंदर श्रृंगार गौरी और दीगर देवताओं की पूजा करने का हक मांगने वाली दरख्वास्त काबिले समाअत है या नहीं। मुस्लिम फरीक का कहना है कि हिंदू फरीक का दावा काबिले समाअत नहीं है। इबादत गाहों के कानून की वजह से इस मामले की समाअत नहीं हो सकती और इससे कबल चीफ जस्टिस ने अपने अहम तबसरे में कहा था कि देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के दिन इस मजहबी मकाम की शक्ल क्या थी। मुल्क की राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से हालात खराब हैं। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा का मयार का इंडेक्स संगीन जुमरे में बरकरार है और आर के पुरम में AQI 466, ITO में 402, पड़पड़गंज में 471 और न्यू मोतीबाग में 488 रिकॉर्ड किया गया है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए राजधानी में ग्रैप 4 नाफिज किया गया है। ग्रैप 4 नाफिज होते ही दिल्ली में जरूरी अशिया और खिदमात वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दीगर तमाम ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी लग गई है और इसके अलावा तमाम प्राइमरी स्कूल 10 नवम्बर तक बंद रहेंगे। इन स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का इख्तियार भी दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने गैर कानूनी सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मरकजी हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दरख्वास्त पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर पाबंदी लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने महादेव और रेडी अन्ना प्रिस्टो प्रो समेत 12 गैर कानूनी सट्टेबाजी एप्स और वेबसाइट को ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए हैं। ये कार्रवाई ईडी के जरिए गैर कानूनी सट्टेबाजी एप के खिलाफ की जांच और इसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद की गई है। इसमें ऐप के गैर कानूनी ऑपरेशंस का भी इंकशाफ हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स में कांस्टेबल के तौर पर काम करने वाले मुलजिम भीम सिंह यादव और असीम दास को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के कानून की दफा 19 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दरअसना हुनरमंदी के फरोग, एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ हुकूमत के पास IT एक्ट की दफा 69A के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने का पूरा इख्तियार है। ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही ऐसी कोई दरख्वास्त की। हुकूमत गुज़िश्ता 1.5 साल से इसकी तहकीकात कर रही है। दरअसल ईडी की तरफ से यह पहली और वाहिद दरख्वास्त है जो मौसूल हुई है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ हुकूमत को ऐसी दरख्वास्तें करने से किसी ने नहीं रोका था। नीति आयोग आज नई दिल्ली में खुशहाली के लिए जामे तिजारत के मौजू पर एक वर्कशॉप का अहतमाम करेगा। ये वर्कशॉप दिल्ली में G20 मीटिंग में किए गए ऐलानात के तहत मुनाकिद की जा रही है। इस वर्कशॉप में G20 के ऐलानात और उन पर अमल दरामद के हवाले से वसी पैमाने पर अवामी राबता पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ मौजूआत के माहरीन, थिंक टैंक्स के नुमाइंदे, माहरीन तालीम और दीगर स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। वर्कशॉप में आलमी वैल्यू चेन्स की खाका और करने और तरक्की के लिए जामे तिजारत को फरोग देने समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तफसीली गुफ्तगु होगी। नीति आयोग घरेलू सतह पर पायदार तरक्की के अहदाफ पर पेशरफ्त को तेज करने पर एक वर्कशॉप का भी अहतमाम करेगी। वर्कशॉप का इनकाद इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के इश्तराक से किया जा रहा है। इसमें मौजू के माहिरीन, थिंक टैंक्स, तालीमी दुनिया के नुमाइंदे और दीगर स्टेक होल्डर्स अहम मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल की पहली मीटिंग आज IIT गांधीनगर में होगी। AIESC एक दो कौमी इदारा है जिसे 2011 में कायम किया गया था और इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, तरबियत और तहकीकी शराकतदारी की स्ट्रेटेजिक सिमत का तायुन करना है।
मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, ऑस्ट्रेलिया के वजीर तालीम जैसन क्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के हुनर और तरबियत के वजीर ब्रेंडन ओक्रोनर मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत करेंगे। और गैर मुल्की खबरों में, अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने बगैर किसी पेश की मंसूबा बंदी के इराक का दौरा किया। उन्होंने इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सोडानी से बातचीत की और इस दौरान दोनों के दरमियान इसराइल और हमास तनाजे को रोकने की जरूरत पर बातचीत हुई। इत्तलात के मुताबिक बगदाद में ब्लिंकन की अल सोडानी से मुलाकात एक घंटे से ज्यादा जारी रही। और अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन अंकरा पहुंचे, जहां वो अपने तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से गजा के तनाजे पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन की आमद से चंद घंटे कबल फिलिस्तीन की हिमायत में निकली रैली में शरीक सैकड़ों अफराद ने अमेरिकी फौजियों की रिहाइशगाह वाले हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। और गैर मुल्की खबरों में, इसराइल और हमास के दरमियान तीन हफ्तों से जायद अरसे से जंग जारी है। डीडी न्यूज आपको जंग के बारे में मुसलसल अपडेट दे रहा है। देखिए इसराइल में मौजूद डीडी न्यूज के नुमाइंदे अमृत पाल की यह रिपोर्ट। इसराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई लगातार रात और तेज कर दी है और भीषण कर दी है। युद्ध और भीषण हो चुका है। अभी तक इसराइल कहता है कि वो 12,000 से ज्यादा टारगेट्स को अटैक कर चुका है। कल के पूरे दिन में कम से कम 3,000 टारगेट्स पे अटैक हुआ, जिसमें जबालिया रिफ्यूजी कैंप गाजा पट्टी में और वहीं अलबुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी अटैक हुआ। उधर हमास कह रहा है कि स्कूल और अस्पतालों को भी बख्शा नहीं जा रहा। वहीं कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। इसराइल का कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड वो जाने देगा, पर किसी तरह का ह्यूमैनिटेरियन पॉज या सीज फायर का कोई सवाल नहीं उठता। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो कि यहां है, इस परसों उन्होंने बेनामिन नेतन्याहू से मीटिंग की, फिर अरब के लीडर्स जिसमें जॉर्डन के किंग थे, लेबनन के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, और कल उन्होंने रामल्ला अब्बास के साथ, उसके बाद वो तुर्की गए जहां उन्होंने मीटिंग की रेसेप तैयिप अर्दोगान तुर्की के तुर्की के राष्ट्रपति के साथ। क्लियरली अरब लीडर्स और महमूद अब्बास जो फलस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को यह कहा कि आप सीज फायर करवाएं। वहीं ब्लिंकन ने सीज फायर पर कोई आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि हालांकि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन पॉज या कुछ देर के लिए जंग रोकने का अनुरोध किया था राष्ट्रपति बाइडेन के कहने के बाद, उनका मैसेज लेके आए थे, पर बेनामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि सीज फायर का तो सवाल नहीं उठता, ह्यूमैनिटेरियन पॉज भी नहीं होगा। तो यहां युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है और अब सबसे बड़ी समस्या अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए यह है कि कहीं ये जंग, ये युद्ध, ये संघर्ष रीजनली एस्केलेट ना कर जाए और दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हिजबुल्ला, हाउतीज जो लगातार इसराइल पे गोले दाग रहे हैं, वो कहीं पूरी तरह जंग में ना उतर आए और ये एक रीजनल जंग ना बन जाए। अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज। और अब पेश है दिल्ली से शायद उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में भी इसराइल और हमास के दरमियान चल रही जंग की खबरों को ही सुर्खी बनाया गया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी हमने यहां से ली है, जहां पर गजा के हवाले से यह खबर है कि वाटर स्टेशन और यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया है, हमास के 2,500 ठिकाने तबाह करने का दावा इसराइल कर रही है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात के दौरान फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फौरी जंगबंदी का मुतालबा है और अब तक 346 इसराइली फौजियों की हलाकत भी हो चुकी है। और यहां पर आपको बता दें कि इसराइल हमास के दरमियान जारी तनाजे के दरमियान यहां एक और पनाह गुजी कैंप पर हमला किया गया है, जिसमें 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। और इसी के हवाले से ही आगे और आलमी सफ़े पर भी खबरें इसकी शाया हुई हैं, वो भी आपको बताते हैं, जहां हमास इसराइल जंग के 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और यहां पर 11,000 से ज़ायद
हलाकतें हुई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। आगे खबर जान लेते हैं, जहां सोमालिया से यहां पर खबर है कि सोमालिया में सैलाब से 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी सुर्खी यहां पर भारत से है, जहां दिल्ली में इंतहाई खराब हवा का मैार दर्ज किया गया है। दुनिया के 3 आलूदा तरीन शहर हिंदुस्तान में है। दिल्ली इंतहाई खराब जुमरे में पहुंच गया है। दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का हुक्म दिया गया है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां खेल के सफ़े से यहां पर एक खबर है, विराट की सालगिरह पर मुल्क को जीत का शानदार तोहफा। कोहली ने 49वीं सेंचुरी लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है और हिंदुस्तान ने एक तरफा मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देती है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और मज़ीद खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां ICC वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जीत का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान ने कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 243 रन की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट में मुसलसल 8वीं जीत हासिल की और इस जीत के साथ ही हिंदुस्तान ने पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। भारत की जानिब से जीत के लिए दिए गए 327 रन के जवाब में अफ्रीकी टीम सिर्फ 83 रन पर ढेर हो गई। कोहली ने सेंचुरी बनाई और रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग में 5 विकेटें हासिल की। देखिए मुकम्मल तफसील। मुसलसल 7 जीत के साथ भारतीय टीम जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उतरी तो मकसद बिल्कुल साफ था, जीत के सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस, पिच और मौसम को देखते हुए रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर में ही भारत ने 50 रन स्कोर कर लिए। हालांकि रोहित जब 40 पर पहुंचे तब कगिसो रबाडा ने उन्हें वापस पिविलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए शुभमन गिल और विराट कोहली के दरमियान 31 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया केशव महाराज ने, जिन्होंने शुभमन को 23 रन पर आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 134 रन की शराकतदारी की। इस खतरनाक नजर आने वाली शराकतदारी को तोड़ने का काम किया एंगिडी ने, जिन्होंने 77 रन के स्कोर पर श्रेयस को आउट किया। लेकिन रन मास्टर कोहली जमे रहे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से वनडे करियर की 49वीं सेंचुरी लगाई। कोहली 101 रन पर नॉट आउट रहे और उनकी इस बेहतरीन इनिंग्स के दम पर भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 326 रन बना लिए। 327 रन के निशाने का पीछा करने उतरी जनूबी अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम की सबसे बड़ी उम्मीद क्विंटन डीकॉक 5 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बेबूमा का विकेट भी सामने आ गया, जिन्हें 11 रन पर रविंद्र जडेजा ने आउट किया। इन दो झटकों से जनूबी अफ्रीका की टीम उबर नहीं पाई और 40 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए। रविंद्र जडेजा की फिरकी और मोहम्मद शामी की धार का जवाब जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के पास नजर नहीं आ रहा था और अफ्रीका की टीम सिर्फ 27.1 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने मुकाबले को 243 रन के बड़े फर्क से अपने नाम कर लिया, यानी कि एक और बड़ी जीत टीम इंडिया के नाम हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और भारत ने विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया है। रांची में खेले गए फाइनल मैच में हिंदुस्तान ने दिफाई चैंपियन जापान को 4-0 से शिकस्त दी। हिंदुस्तानी खवातीन टीम ने जापान को शिकस्त देकर दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया है। भारत की जानिब से संगीता कुमारी और नेहा लालर पेमिसियामी और वंदना कटारिया ने गोल किए। और अब पेश है मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत, आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।